मैंने आपको बताया था कि जो तीनों फोर्सेस हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इनको हम इंट्रा साइकिक फोर्सेस या साइकोडायनामिक फोर्सेस कहते हैं। अब जो इन फोर्सेस के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, इन कन्फ्लिक्ट को भी हम साइकोडायनामिक कन्फ्लिक्ट कहते हैं, फिर इंट्रा साइकिक कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट इन तीनों फोर्सेस के दरमियान पाया जाता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ईगो भी कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि वो इड का साथ दे या सुपर ईगो का, क्योंकि इड हमारी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होती है, जो कहती है कि हमें अभी कोई चीज चाहिए, तो इट्स मीन चाहिए प्लेयर प्रिंसिपल होता है, जबकि सुपर ईगो हमारा मॉरल प्रिंसिपल्स होता है पर्सनैलिटी का, जो कि हमें इखलाकियात, गुड और बैड, राइट और रॉन्ग के दरमियान फर्क बताता है, और हमें कहता है कि ये चीज नहीं करनी, सोसाइटी के रूल्स के रेगुलेशन के मुताबिक नहीं है तो बिल्कुल नहीं करनी। तो जब ये कंफ्लिक्ट पैदा होगा तो एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, और जब एंजाइटी प्रोड्यूस होगी तो फिर हम रिलाय करेंगे ऑन डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, ये हम कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं या अनकॉन्शियसली। तो फ्रॉइड के मुताबिक, जो साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट हैं, उनके मुताबिक हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं, और फ्रॉइड और साइकोडायनामिक थ्योरिस्ट ने इनको अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम भी दिया था। लेकिन मॉडर्न रिसर्चेस हमें ये भी बताती हैं कि बहुत से ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो कि हम कॉन्शियसली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, डिनाइल को हम कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और रेशनलाइजेशन को हम कॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट, रेशनलाइजेशन होते क्या हैं, ये हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक हमारी कॉन्शियसनेस के साथ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एंड साइको एनालिसिस या साइको डायनामिक थ्योरिस्ट, हम डिफेंस मैकेनिज्म को अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ, काइंडली माइंड में स्टोर कर लें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं या अनहेल्दी होते हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट्स, जैसा कि मेडिसिन के बारे में हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं, ये हमारे लिए आइदर ये हमारे लिए हेल्दी होते हैं या हेल्दी नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड का कहना था कि जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं, जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर हम इनके सडन या शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करें तो ये हेल्दी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइटी को रिड्यूस कर देते हैं और हमें रिलीफ देते हैं। लेकिन अगर हम इनकी लॉन्ग टर्म की इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे लिए अनहेल्दी साबित होते हैं, क्योंकि ये हमें एक्सेप्टेंस से दूर ले जाते हैं, हमारी रियलिटी से दूर ले जाते हैं, रियल वर्ल्ड से दूर ले जाते हैं। क्यों? कि इन्होंने रियल वर्ल्ड से दूर लेके जाकर हमें एंजाइटी को लो करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो जो हमारी रियलिटी होती है इसको ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ हमें टेम्पोरेरीली रिलीफ दे सकते हैं फ्रॉम एंजाइटी, लेकिन जिंदगी भर हमें एंजाइटी फ्री नहीं रख सकते। अब सिगमंड फ्रॉयड ने 8 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली दिए थे, लेकिन उनमें से भी ज्यादा जो हैं, उनसे भी ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म और तरह के भी मौजूद हैं इन 8 के अलावा। सिगमंड फ्रॉयड की एक बेटी थी एना फ्रॉयड, उसने भी डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे। मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मुख्तलिफ तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ डिफेंस मैकेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हम बेसिकली सिगमंड फ्रॉयड के 8 डिफेंस मैकेनिज्म को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये 8 डिफेंस मैकेनिज्म आपको हर बुक में हर जगह पर मिलेंगे, इनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बहुत एलेबोरेट किया है, उनको बहुत एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है, और मैं करूँगा। तो काइंडली अपना फोकस रखिएगा मेरी स्लाइड्स पर और मेरे अल्फाज पर। अब ये जितने भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैं, इनमें दो चीजें कॉमन होती हैं। पहली ये कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, इन्हें हम अनकॉन्शियसली ऑपरेट करते हैं, और दूसरी ये कि दूसरी कॉमनैलिटी इनमें ये होती है कि ये सब हमको रियलिटी से डिस्टोर्ट कर देते हैं, ये सब हमारी रियलिटी को डिस्टोर करते हैं, और जो एंजाइटी से हमें रिलीफ मिलता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और प्रॉब्लम वैसे के वैसे ही रहती है, बस जो रिलीफ मिल रहा होता है वो डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी की वजह से मिल रहा होता है। ये सारी बातें याद रखिएगा। तो पहले नंबर पर हमारे पास आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दबाना, रिप्रेस कर देना, पीछे धकेल देना, माजी में फॉरगेट कर देना, अनकॉन्शियस में फेंक देना।
मिसाल के तौर पर जो हमारे पेनफुल चाइल्ड हुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे हमारे जहन में रिप्रेस हो जाते हैं, उनको हम बरी दफन कर देते हैं अनकॉन्शियस में। अब सिगमंड फ्रॉयड के मुताबिक जो रिप्रेशन है ये बेसिक और फंडामेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि इसके साथ बाकी तमाम डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। नंबर सेकंड पर है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है पास्ट में वापस चले जाना उस पॉइंट पर जो आपके लिए सेटिस्फाइंग था। मिसाल के तौर पर जो बच्चे हैं थंब सकिंग करते हैं बचपन में, अंगूठे को सक करते हैं बचपन में, तो अब वो अगेन उस स्टेज में वापस चला जाएगा अपनी उस हैबिट पर, अपनी उस एंजाइटी को दूर करने के लिए। मतलब इस तरह के और भी पास्ट की जो स्टेजेस हैं उसको जो रिलीफ दें एंजाइटी से, उनको वो एग्रेस करेगा, उनको वो रिपीट करेगा, उस स्टेज में बैक चला जाएगा। जैसा कि जब बच्चे होते हैं तो वो उनके पेरेंट्स उनके साथ खेलते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की एंजाइटी में इन्वॉल्व होता है तो फिर वो अगेन गेमिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हम अपने इग्रेशन को या जो अनवांटेड डिजायर्स हैं या इंपल्सेस हैं उनको लेस थ्रेटनिंग टारगेट पर मुंतकिल कर देते हैं फ्रॉम मोर थ्रेटनिंग टारगेट, मतलब ज्यादा खतरे से निकाल कर कम खतरे की तरफ ले आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की ऑफिस में जॉब है और ऑफिस में अपने बॉस के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन चूंकि वो एम्प्लॉय है और बॉस अथॉरिटेरियन है, चूंकि वो बॉस को कुछ नहीं कह सकता, अगर उसने कुछ कहा तो उसकी नौकरी जा सकती है, तो जब वो घर पर आया तो उसने अपनी वाइफ को डांटना शुरू कर दिया या फिर किसी पेट एनिमल को मारना शुरू कर दिया, और जब उसने बीवी को डांटा, अब बीवी के लिए जो अथॉरिटी फिगर है वो हस्बैंड है, वहां पर वो गुस्सा नहीं उतार सकती तो अपने बच्चे पर उतारेगी, या वो बर्तन तोड़ना शुरू कर देगी, प्लेटें तोड़ेगी, और फिर वो बच्चा चूंकि माँ पर गुस्सा नहीं उतार सकता तो उसका कोई छोटा बहन भाई होगा तो उस पर उतारेगा। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये बातें याद रखिएगा, मैं अगेन समझा रहा हूँ डिफेंस मैकेनिज्म का आपसे पाला हमेशा साइकोलॉजी में PhD लेवल तक पढ़ता रहेगा। फोर्थ नंबर पर हमारे पास रैशनलाइजेशन आता है। इसका मतलब होता है कि एंजाइटी या गिल्ट से बचने के लिए आप एक सोशली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग बना लेते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि एंजाइटी या गिल्ट से बचने के लिए या एक सोशली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, एक सोशली अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन या इवेंट की एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप एक सोशली एक्सेप्टेबल रीजंस बना लेते हैं। वी क्रिएट फॉल्स एक्सक्यूजेस फॉर वंस अनएक्सेप्टेबल फीलिंग थॉट्स और बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिफाइंग चीटिंग ऑन एन एग्जाम बाई सेइंग दैट एवरीवन एल्स चीट्स। चीटिंग करते हुए अगर पकड़े गए हैं, जो कि एक अनएक्सेप्टेबल, एक सोशली अनएक्सेप्टेबल इवेंट है जो कि एंजाइटी प्रोड्यूसिंग है, तो इस एंजाइटी से बचने के लिए हम एक सोशली एक्सेप्टेबल रीजन बनाना शुरू कर देते हैं कि चीटिंग तो सारे करते हैं, या फिर अगर हम एग्जाम में फेल हो जाएं तो हम टीचर पर थोप देते हैं कि टीचर ने मेरे साथ कोई पर्सनल अदावत, पर्सनल दुश्मनी निकाली है, मुझे जानबूझकर फेल किया है, या फिर अगर दो दोस्त इंटरव्यू में गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, एक पास हो जाता है एक फेल हो जाता है, तो पास जो होता है वो पूछता है भैया आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो वो उससे एक्सक्यूज करता है कि यार जो इंटरव्यूअर्स थे वो बहुत फजूल किस्म के इंसान थे, उन्होंने बहुत बकवास किस्म के सवालात किए जो कि वैलिड नहीं थे। ये सारी चीजें रैशनलाइजेशन में आ जाती हैं, और इस डिफेंस मैकेनिज्म को, इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिनाइल रिफ्यूजिंग। डिनाइल का मतलब आप सीधा एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं उस बिहेवियर को या किसी भी चीज को जिसकी वजह से आप में एंजाइटी पैदा हो सकती हो। मिसाल के तौर पर अगर आप हैवी स्मोकर हैं और आपसे कोई कहता है कि यार आप सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हो, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो कभी कभार आदत पूरी करता हूँ या शौकिया तौर पर पीता हूँ, या फिर आप अगर स्मोकर हैं और आपसे कहा जाता है कि जो स्मोकिंग है मुझे सेहत है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो आप बात एक्सेप्ट नहीं करते, आप डिनाई कर देते हैं, और दलाइल में उसके कुछ फायदे भी बताते हैं, तो इसको हम डिनाइल या रिफ्यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं।
क्योंकि अगर हम उसके नुकसान को एक्सेप्ट करेंगे तो हम में एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, और उस एंजाइटी से बचने के लिए हम डिनाई डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंजाइटी से रिलीफ लेने के लिए। फिर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है हम अपनी अनवांटेड थॉट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर वगैरह को दूसरों पर एट्रीब्यूट कर देते हैं, दूसरों पर थोप देते हैं। किसको? अपनी अनवांटेड थॉट्स को, अपनी अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को, अनप्लेजेंट बिहेवियर को हम दूसरों पर एट्रीब्यूट कर देते हैं, दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्शन का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूजिंग योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑफ चीटिंग ऑन यू बिकॉज यू हैव फेल्ट लाइक चीटिंग ऑन हिम। आमतौर पर होता क्या है, आमतौर पर प्रोजेक्शन मैकेनिज्म को हम रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपने लाइफ पार्टनर को कह रहे होते हैं, मुझे लगता है अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, मुझे लगता है अब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, या मेरे साथ ही चलना नहीं चाहती हो, मेरे साथ ही चलना नहीं चाहते हो। असल में वो थॉट्स और फीलिंग उसकी अपनी होती हैं कि वो दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, दूसरों पर थोप रहा होता है, दूसरों पर एट्रीब्यूट कर रहा होता है, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद के ईगो को मेंटेन करने के लिए, एंजाइटी से रिलीफ देने के लिए। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे लगता है आप लोग मुझसे पढ़ना नहीं चाह रहे, तो असल में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब मुझे आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए, और शायद मुझे ये ठीक लगता है एनीवे। लेकिन क्योंकि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो ये सोशली अनअसेप्टेबल होगा, तो मैं इसको इनडायरेक्टली सोशली एक्सेप्टेबल बनाकर कहूंगा कि आप लोग मुझसे पढ़ना ही नहीं चाहते। आमतौर पर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। फिर 7th नंबर पर आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसमें हम अपनी अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स को या इम्पल्सेस को डिफेंड करने के लिए उन इम्पल्सेस या डिजायर्स के ऑपोजिट हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें हम अपनी अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स को, अनवांटेड इम्पल्सेस को, अनप्लेजेंट बिहेवियर्स को डिफेंड करने के लिए उन इम्पल्सेस या डिजायर्स से ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस वर्कर हैं और वहां पर आपको आपकी को वर्कर, आपकी कोलीग पसंद आ जाती है, लेकिन मसला यह है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप खुद की एंजाइटी से रिलीफ देने के लिए उसको कहेंगे, अगर उसका नाम लेट्स सपोज समीर है तो उसको भाई समीर बोलेंगे, अगर सुमेहरा है तो उसको बाजी सुमेहरा, आंटी सुमेहरा, आप सुमेहरा, सिस्टर सुमेहरा। तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, तो हम उसको बहन या भाई कहकर पुकारते हैं, एक्चुअल में हम उससे बहुत ज्यादा पसंद करते होते हैं, और इसको हम रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। वुमेन हु नेवर वॉन्टेड टू हैव चिल्ड्रन बिकम अ सुपर मॉम, ये रिएक्शन फॉर्मेशन आता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म सब्लिमेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हमारी जो सिविलाइजेशन की बुनियाद है, वो बेसिस ऑफ जो सिविलाइजेशन है वो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। सब्लिमेशन से मुराद होता है कि जो हमारी अनएक्सेप्टेबल विशेष, डिजायर्स और इम्पल्सेस होती हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं सोशली एक्सेप्टेबल एक्शन में। मिसाल के तौर पर वो शख्स जिसको फाइट करना या गन चलाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो इस तरह से बाहर जाकर तो लोगों को मारना शुरू नहीं करेगा, या इस तरह तो लोगों को मार नहीं सकता, तो वो क्या करता है कि आर्मी ज्वाइन कर लेता है या कोई हंटिंग क्लब ज्वाइन कर लेता है। इसके अलावा